अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असम खान है। आज मैं आपको कुछ नई चीज़ के हवाले से बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको लास्ट टाइम भी हिस्ट्रीज बताई थी डिफरेंट डिफरेंट चाइनीज़ मास्टर के हवाले से, पहले एक मैन के हवाले से, एक मैन कौन थे, क्या करते थे और क्या थे। अब उसके बाद मैंने आपको हिस्ट्री बताई ब्रूस ली की, ब्रूस ली कौन था, ब्रूस ली क्या करता था, ब्रूस ली कैसे फाइट हुआ, किस तरह डेथ हुई, ब्रूस ली के हवाले से मैंने सब चीज़ें आपके इल्म में दी। उसके बाद मैंने कुछ और वीडियोस भी डाली। आज मैंने सोचा है कि मैं जैपनीज़ मास्टर मास्टर ओयामा के हवाले से आपको सब चीज़ें फराहम करूं, आपकी नॉलेज में इजाफा करूं, क्योंकि उन मास्टर्स को भी हमें बताना और दिखाना होता है कि एक सही इल्म में देना होता है, जिन्होंने अपनी लाइफ में जो अभी तक हिडन है, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, इतने फेमस नहीं है। ब्रूस ली तो फिल्मों की वजह से मशहूर हो, इप मैन भी फिल्मों की और मीडिया की वजह से मशहूर हो। जैपनीज मास्टर ये वो मास्टर हैं जिनकी वीडियोस भी आपको ऑनलाइन मौजूद है, जिस तरह ब्रूस ली फेमस हुआ था कि उसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, इसी तरह इन मास्टर्स ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। इन्होंने वन हैंड से बुल को जो है ना उसका सीन ब्रेक किया था, और बुल जो जंगजू बुल कितने 600 पाउंड का बुल था, उसके इन्होंने वन हैंड से सींग ब्रेक कर दिया था और उसको ज़मीन पे गिरा दिया था। तो ये सब बहरहाल आप लोग को नहीं मालूम था जो मैं अब आपको बताऊंगा। ये काफ़ी पावरफुल मास्टर और काफ़ी फेमस मास्टर थे और क्यू किशन के बानी थे ये, जिन मास्टर के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए अब जो है ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम लोग सीधा अपनी स्टोरी की तरफ जाते हैं। इससे पहले नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे दिए गए घंटी के निशान पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मास्टर ओयामा जो क्यूकेशन के बानी, वो 27 जुलाई 1923 को योंग आईचुई में पैदा हुआ, जो साउथ कोरिया में वाक़ है। वो 9 साल की उम्र में चाइना चले गए अपनी बहनों के फार्म पर, वहाँ पे वो काम करते रहे। उन्होंने एक कंपा नामी आर्ट सीखा, जो इंग्लिश में 18 हैंड्स कहते हैं, मिस्टर यूई के अंडर में। उसके बाद वो 12 साल की उम्र तक चाइना में सीखते रहे। चाइना के बाद वो कोरिया आ गए। कोरिया के वहीं एक इंस्टीट्यूट इस ब्रांच में उन्होंने तालीम का आगाज़ रखा, वहीं पे जो है ना वो कंपा कोरियन कंपा के स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। 1938 में उन्होंने, जब वो 15 साल की उम्र के हो गए, तो उन्होंने जैपनीज एविएटर में एडमिशन लिया। वहाँ पे उन्होंने बहुत जवानी में 15 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की और बहुत मुश्किल मराहिल क्रॉस किए। वो एक हीरो पायलट के नाम से जाने जाने लगे, क्योंकि उनकी उम्र भी 15 साल थी और उन्होंने 15 साल की उम्र में फ्लाइट टाइमिंग भी अपने पूरे किए थे। उसके बाद वो टोक्यो शिफ्ट हो गए। टोक्यो में मास्टर फोनाकोशी के डोजो में गए। मास्टर फोनाकोशी जो शोतोकान के बानी थे, उस डोजो में उन्होंने सीखना शुरू किया मास्टर फोनाकोशी के अंडर। फिर यामागुची मास्टर के पास चले गए। यामागुची मास्टर भी उधर होते थे। यामागुची मास्टर गुजोरियो के बानी थे, उनसे उन्होंने गुजोरियो सीखा। मास्टर ओयामा ने 1947 को एक चैम्पियनशिप भी वॉन की कराटे की, जिससे वो और ज़्यादा फेमस हो गए। जोशीले थे, जवान थे, उन्होंने बहुत सारी जो है ना अंतक मेहनत करने के बाद इसमें कामयाबी हासिल की। उसके बाद 1953 को उन्होंने सोचा कि मैं अपना आर्ट बनाऊं। उन्होंने क्यूकिशन के नाम से एक डोजो बनाया, वहाँ पे वो डोजो की ट्रेनिंग देते रहे और बहुत बेहतरीन पूरी दुनिया में क्यूकिशन मशहूर हुआ। मास्टर ओयामा ने नया रिकॉर्ड बनाने के लिए एक जंगजू बुल से फाइट की और उसका एक सीन ब्रेक कर दिया, बुल को गिरा के उसको धूल चटा दी गई। बुल से फाइटिंग की वीडियो मुलायजा कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दी। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ डेमोस्ट्रेशन पेश किए, बर्फ़ की कहीं कहीं सिले रख के एक हाथ से आराम से तोड़ दिया करते थे। उन्होंने US मिलिट्री को भी ट्रेनिंग दी और क्यूकिशन आर्ट सिखाया। जहाँ तक उनकी मार्शल आर्ट की डिग्रीज की बात की जाए, वो शोतोकान के 4 डान ब्लैक बेल्ट थे, 7 डान गुजोरियो के ब्लैक बेल्ट थे और 4 डान कोडोकान जूडो के ब्लैक बेल्ट थे।
मास्टर ओयामा की डेथ 26 अप्रैल 1994 में हुई। 70 साल की उम्र थी इनकी। टोक्यो जापान में इनको दफनाया गया। आज तक के लिए इतना ही। अगले सेशन में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा कुछ नई मालूमात के साथ और कुछ नई वीडियो लेके। अल्लाह हाफिज़।